मानवीय और संवेदनशील मसला ये हो जाता है। इस परियोजना से जिस जगह पे परियोजना अधिसूचित की गई है, जो क्षेत्र अधिसूचित की गई है, उसी क्षेत्र में एलिफेंट कॉरिडोर, टाइगर प्रोजेक्ट लग रहा है और उल्फ सेंचुरी के माध्यम से हाथी, बाघ और भेड़िए का संरक्षित करने का सरकार ने अधिसूचना जारी किया है, क्षेत्र अधिसूचित की है और उसी क्षेत्र के 245 गांव के आदिवासियों को विस्थापित इससे होने की पूरी संभावना है और विस्थापित करने का इस पर अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि क्योंकि वहां पर सेना अभ्यास करेगी। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या सरकार आदिवासियों के जीवन को हाथी, बाघ और भेड़िए से भी कम आती है क्या? इनके आदिवासियों के जीवन को किस रूप से सरकार देखती है? दूसरी बात, ये झारखंड फिफ्थ शेड्यूल के अंतर्गत आती है जिसके कस्टोडियन माननीय राज्यपाल महोदय हैं, तो एक तरफ तो फिफ्थ शेड्यूल का भी वायोलेशन है, दूसरी तरफ संसद से पारित कानून फॉरेस्ट राइट एक्ट है, उसका भी वायोलेशन है, और सबसे बड़ी बात है जो भारत का जीवंत दस्तावेज है संविधान, संविधान के आर्टिकल 21 में हर व्यक्ति को जीने का, उसकी स्वायत्तता का, उसकी गरिमा का संरक्षण प्रदान किया गया है, लेकिन इस परियोजना से आर्टिकल 21 का भी घोर उल्लंघन हो रहा है और उल्लंघन करने वाला खुद सरकार है। तो ये हम लोगों की ये मांग है और सत्याग्रह के माध्यम से अहिंसक तरीके से विगत 28 वर्षों से लगातार जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे के नारा वहां पर लाखों आदिवासी वहां नारा लगा रहे हैं। हमारा ये मांग है कि नेत्रहाट फील्ड फायरिंग परियोजना रद्द हो।